नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को 15 से 20 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद आप सूर्य नमस्कार और योगिक जॉगिंग के अभ्यासों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन में ऐसे पद्मासन पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने एक हथेली को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं, उसके ऊपर से दूसरी हथेली को भी ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को, अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बिगनर हैं और अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे सीधे देखिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों योग मुद्रासना एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से हमारे डाइजेशन से संबंधित सभी विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास डायबिटीज जैसी समस्या को भी दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही योग मुद्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। यानी शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ मध्यम गति के साथ और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं और अपने पैरों को ऐसे आपस में नहीं मिला पा रहे हैं तो अपने पैरों में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। एक्सहेल करते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। इनहेल करते हुए कोबरा पोज की पोजीशन पर आना है। एक्सहेल करते हुए माउंटेन पोज की पोजीशन पे आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे हलासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास में हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना प्रदान करते हैं। इस पश्चिमोत्तानासन और हलासना को करने के लिए सबसे पहले हमने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर ऐसे आना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। इनहेल करते हुए हलासना की पोजीशन पर, एक्सहेल करते हुए पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। आपके दोनों पैर पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों
सेंटर में आते हैं। इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से लगा लेते हैं और सांस छोड़ते हुए अपनी छोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों यह अभ्यास हमारे शरीर हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है। फिर एक्सहेल फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासन। दोस्तों अगर आप हैंडस्टैंड को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हैंडस्टैंड को प्रैक्टिस करें। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही इस प्राणायाम आसन की पोजीशन पर रहें। जो लोग हेडस्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सकें तो वह सबसे पहले इस प्राणायाम आसन की पोजीशन पर रहें। इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासन की पोजीशन पर आना है। दोस्तों यह अभ्यास हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।